एवरीवन, इट्स मी समन अर्शद। सो आज का सीन ये है कि आज हमारी यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन डे, आज हमारा यूनिवर्सिटी में होगा नहीं होगा, बेसिकली फर्स्ट डे होगा हमारा, वो बाद में बताऊंगी। आज है हमारा ओरिएंटेशन डे, तो अभी मैंने जाना अपना यूनिवर्सिटी। अभी उठी हूँ मैं, अभी टाइमिंग होगा 7 बजे होंगे, 8 बजे मुझे जाना, 7 बजे मैं उठी हूँ। अब हम फ्रेश होंगे, फ्रेश होकर रेडी होते हैं, फिर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं यूनिवर्सिटी में, खुद भी पहली बार देखूंगी। लेट्स गो। नाउ वी आर रेडी, एज यू कैन सी। अभी हम चेंज करेंगे, फिर हम जाएंगे। मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हो रही हूँ, थोड़ा नहीं बहुत सारा एक्साइटेड हो रही हूँ, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट ईयर माई यूनिवर्सिटी, जो मैंने अभी तक देखी नहीं है। आज देखूँगी, कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हैं। मेरे साथ इतने बुरे सीन होते हैं ना, मैंने कहा था ओरिएंटेशन जब होगी उसके बाद मैं घर जाऊंगी, घर जाके रह के मतलब 1-2 दिन फिर आऊंगी, और कल ही मुझे पता चला कि आज मेरी ओरिएंटेशन है और कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट है, तो मैं अभी घर भी नहीं जा सकती। सैड सीन है मेरे लिए, बहुत सारे सैड सीन होते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही सैड सीन था। बिकॉज हम फ्रेंड्स ने प्लान किया हुआ था कि हम आएंगे, हम मीटअप करेंगे, मिलेंगे, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा मैं सोचती हूँ। तो लेट्स सी कि घर कब जाते हैं। लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है, माय गॉड, यकीन नहीं आ रहा था ना। मुझे कॉलेज वापस जाना। हमारा कॉलेज का टाइम बहुत 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 मज़े का था, हम लोगों ने इतने मज़े किए हुए हैं ना, बेसिकली मैंने मेरी फ्रेंड्स ने, मून ने, हमने इतना एंजॉय किया अपनी कॉलेज लाइफ को, इतना एंजॉय किया हुआ है ना, हर किस्म के पंगे लिए थे कॉलेज में, हर किस्म के। सो अभी हम जाते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में नए लोग, नई जगह, नई सामान पुरानी है। ओके, अभी हम चेंज करते हैं, फिर हम नाश्ता करते हैं, फिर गाइस आज तुम लोगों की बहन का यूनिवर्सिटी में पहला दिन। आई एम लिटल बिट एक्साइटेड, लिटल बिट नर्वस। नर्वस इसलिए ज़्यादा नहीं हूँ क्योंकि मैं कल हो आई हूँ, बिकॉज कल ओरिएंटेशन थी यार, इतना कोई बकवास काम किया है ना, नहीं मतलब बकवास नहीं कह रहा मैं यूनिवर्सिटी में, ऐसे नहीं कहूँगी, मतलब ये था कि 4-5 घंटे की कौन ओरिएंटेशन रखता है। मैं 9:30 गई थी, है ना, हाँ 9:30 गई थी, और वहाँ से वापस मैं 3 बजे आई। स्टिल मैंने कुछ नहीं खाया हुआ था, पानी तक नहीं पिया था, उनके रिफ्रेशमेंट में सिर्फ मीठे मीठा 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 मीठा, क्योंकि मैं नहीं खाती। अब उन्हें कौन बताया मैं नहीं खाती। आज है हमारा फर्स्ट डे एज ए लेक्चर, आई थिंक मेरी कैब भी आ गई है, सो हम अभी चलते हैं यूनिवर्सिटी, जाके देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। ये तुम लोगों की बहन का पूरा लुक है, जो शरीफ बनी हुई है, शरीफ हूँ मैं। और अभी हम लोग जाएंगे जाएंगे जाएंगे, देखेंगे कि हमारी कैब आई है, ऊपर चलेंगे, मैं यहाँ से देखती हूँ। तुम लोगों की बहन की हाइट बहुत बड़ी है, बुरा आ जाता ना बंदा। ये कैब मुझे ना लेट कराने के चक्कर में पड़ी हुई है आज। शू यार, मेरे यहाँ पे ना अभी तक कोई फ्रेंड नहीं है, बिकॉज आज मैं नहीं जाऊँगी, हेलो हाय करेंगे लोगों से, इनको हम यहाँ रख देते हैं, फिट नहीं होता। ओह माय गॉड, यस नाइस, बहुत हो गया, कॉल आई मुझे। एक तुम लोगों की बहन सबसे पहले आई हुई है क्लास में, इसके क्लास में दूर दूर तक कोई नहीं है। ये सीन हुआ है कि मैं बहुत खवार हो गई हूँ, खवार इस तरह हुई हूँ कि अभी ये हुआ है कि मैं बहुत खवार हुई हूँ। मैं सुबह से जिस क्लास में बैठी थी, मतलब मैं ठीक थी, उन्होंने अपनी अरेंजमेंट गलत की थी। यस, सो अभी वहाँ से मैं उठ के बाहर आ गई, सारे बच्चों को वो वार्ड ले आए थे, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ DPT के डिपार्टमेंट के बैठे थे। अब मैं इधर अकेली रह गई हूँ, अब सारे बच्चे फिर उसी क्लास में चले गए।
अब मुझे पता चला कि जो मेरी एक क्लास थी वो गुजर गई है बिकॉज उन्होंने गलत गाइड किया था। अब उनकी क्लास गुजर गई है, मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती है, उन्होंने गलत गाइड किया था। मैं यहाँ पे बाय बैठूँ ना, मुझे लाइब्रेरी चले जाओ। इस टाइम मैं लाइब्रेरी क्या करूँगी? नहीं मतलब समझते क्या है मुझे कि आप पढ़ने वाली हूँ बहुत ज़्यादा मैं। अब मैं इधर बैठी हूँ, 11 बजे हमने जाना ऑडिटोरियम, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अभी मैं इन सब की शक्ल देख रही हूँ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है क्या क्या।